यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे दाता। ज्यादातर घरों में जानवर पाले जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तोता। लोगों का इन पालतू जानवरों से गहरा जुड़ाव रहता है। हालांकि ये बात कम लोग ही जानते हैं कि जानवर पालने का असर हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों पर भी होता है। खास तौर पर कुत्ता पालने का बड़ा असर हमारी कुंडली पर होता है। तो कुत्ता पालना किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ, इसके बारे में हम जानेंगे गुरुदेव से और इसके साथ ही जानेंगे आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानेंगे कुत्ते का संबंध किस ग्रह से है और इसे पालना शुभ होगा या अशुभ। कुत्ते का जो संबंध है वो केतु ग्रह के साथ है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र जिस वक्त लिखे गए उस वक्त में बहुत सात्विक दुनिया का चला था। आदमी जितना सिंपल, साफ, ईमानदार होकर के जीवन को चलाता था उसकी इज्जत उतनी ही बड़ी हुआ करती थी। तो इसीलिए कहीं कहीं पर कुत्ता वहाँ पर पालने के लिए वर्जित बोला गया। खास तौर पे पूजा पाठ के माहौल के अंदर कुत्ता क्योंकि शरारती होता है, कहीं भी मुंह मार देता है, इसलिए वहाँ पर वर्जित बोला गया था। लेकिन आज के ज़माने के अंदर इज्जत उसी की है जो पूरी तरह से चुस्त, चलाक, तेज़ और सही समय पे सही डिसीजन लेने वाला और सही समय पे सही बात बोलने वाला जो कि फ़ायदेमंद हो। तो ये गुण देने की जो ताकत है, वफादारी और बेवफाई कब कैसे होनी चाहिए, ये दोनों ही गुण देने वाला कुत्ते के शरीर से उत्पन्न एनर्जी के साथ मिलती है। कुत्ता तभी रखवाया जाता है जब जन्म कुंडली के अंदर केतु की अवस्था कमजोर हो और इंसान के अंदर डिप्लोमेटिकपन कम हो। तो ऐसी अवस्था में इंसान को घमंडी, प्राउडी, ये सारी चीज़ों के नाम से बोला जाता है, मुँह फट बोला जाता है, कभी भी कुछ भी बोल दे, ये सब कुछ बोला जाता है। तो ऐसे में लोग उसे पसंद नहीं करते, ठीक है। जो लोग तर्क की बुद्धि के काबिल नहीं होते उनका बुध खराब होता है। तो अगर हम देखें जन्म कुंडली के अंदर बुद्धि देने वाले, या ये कहें कि बुद्धि जहाँ से निकलती है, एकदम से जो सटीक जवाब निकालना होता है वो जहाँ से निकलता है वो होता है जन्म कुंडली का छठा घर। और छठे घर के मालिक बुध और केतु दोनों ही हैं। तो बुध स्वयं कमज़ोर हो तब भी कुत्ता पालना बहुत ज़रूरी है। बुध कमज़ोर हो जिसके कारण आदमी बिजनेस के अंदर, अपने हालातों के अंदर सही डिसीजन नहीं ले पाता और उल्टे उसके काम खराब होते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर भी कुत्ते का घर पे पालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर जब बुध बैठा हुआ हो तो ऐसी अवस्था में कहते हैं कि जब तक कुत्ता घर पे नहीं पालोगे तब तक रोजी रोटी के साधन ढंग से नहीं बन पाएंगे, ज़िंदगी सही ढंग से नहीं चल पाएगी। तो पुराने समय के अंदर बेशक ये लिखा शास्त्रों में, लेकिन आज के ज़माने में कुछ शास्त्र और लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जिस तरह की दिनचर्या लोगों की, आज के काम काज जिस तरह के है, सामाजिकता जिस तरह की हो गई है, तो इसी चीज़ को लाल किताब ने जाना, माना, परखा। तो इसीलिए लाल किताब के अंदर खास तौर पे सुझाव आते हैं जब केतु कमज़ोर हो, बुध कमज़ोर हो तो घर पर कुत्ता अवश्य पालें। कारण ये है, वैसे तो बाहर भी कुत्तों की सेवा की जा सकती है लेकिन घर पे कुत्ता पालने से हर वक्त कुत्ता घर पे रहता है, घर पे आई हुई बला खास तौर पे बाल बच्चों पे वो अपने ऊपर ले लेता है। तुमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि
कुत्ता आने वाली मुसीबत की आहट को भाप लेता है, यमदूत के कदम भी वो नाप लेता है। तो ये सत्य बात है, उसके अंदर कुछ खास गुण होते हैं, इसीलिए कुत्ते का घर पे पालना अति अति शुभ माना जाता है। कुछ एक आध अवस्था को छोड़कर ज़्यादातर सब लोग कुत्ता पाल सकते हैं। बिल्कुल, कुत्ता पालें लेकिन कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखें। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज घर परिवार से पूरा सुख और सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी ठीक ठाक सफलता वाले हालात हैं, परंतु अनचाहे मेहमान, बेमतलब की टेंशनें और इन टेंशनों के कारण अपने शरीर के अंदर कमजोरी का एहसास, ये सब चीज़ें साथ में मिलकर के ये आपके दिन को थोड़ा सा खराब कर रही हैं। जबकि लाभ के सुख भी लिखे हैं और परिवार के सुख सहयोग वो भी लिखे हैं आज, तो इसलिए आज के दिन थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल या मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन खास तौर पे परिवार की तरफ से सारे सुख सहयोग इन सब के लिए दिन उत्तम है, और इसलिए कुछ न कुछ नेक कार्य भी आज आपके हाथ से होंगे और जिनके सुख की अनुभूति आपके मन को प्रफुल्लित करेगी। और इसके साथ ही कामकाज के अंदर भी जो भी कार्य आज आप करना चाहेंगे उसके अंदर भी आपको सुख की अनुभूति होगी। सुबह सुबह थोड़ी सी कन्याओं को कुछ मीठा देकर तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, आज के दिन पेट की समस्याओं को छोड़कर बाकी हर तरह से दिन उत्तम है। बड़ों का कहना मानने से, उनसे सलाह लेकर के चलने से खास तौर पे आज का दिन शुभ होने वाला है और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सिर्फ एक पेट की समस्या को छोड़ के कामकाज के अंदर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे आप, और घर वालों का सुख सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र के अंदर जितने लोग हैं आपसे आज मिलेंगे वो भी आज आपको सपोर्ट करेंगे, तो कुल मिलाकर के दिन काफ़ी खुशनुमा और काफ़ी अच्छा है। सुबह सवेरे कुत्ते कौओं को कुछ खाने को जरूर, उससे दिन और शुभ। गुरुदेव, कुत्ते से जुड़ा ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से ग्रहों की शुभ कृपा पाई जा सकती है? बेटा, कुत्ते को दरवेश माना जाता है, कुत्ता कहो या केतु, ठीक है, केतु को दरवेश माना जाता है, कुत्ते को दरवेश माना जाता है। केतु के लिए एक बहुत ही खास बात है कि अगर लड़ना हो तो मंगल के साथ उसका संबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग हैं जो बिल्कुल कर्मठ होते हैं। आप देखते हैं ना कि कई लोग धूप में ही खड़े रहना, धूप में तपस्या करना या गुफा में बैठ के तपस्या करना, कई लोग पानी में खड़े होकर के तपस्या करते हैं, इतनी जबरदस्त विल पावर सिर्फ मंगल और केतु ही बना पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हठ ही योग होता है, तो ऐसे में अपने जीवन के अंदर भी अपने हठ के कारण बहुत सारी परेशानियां क्रिएट होती हैं, ठीक है, ये चीज होती है। फिर केतु जब पॉजिटिव हो शनि के साथ में या बृहस्पति के साथ में, ये बड़ा औसम माना जाता है, ये अलौकिक ज्ञान, परमात्मा का नाम, प्रेम, धरती पे पत्नी वाला प्रेम, अपने बच्चे वाला प्रेम, परमात्मा का प्रेम, दुनियादारी वाला प्रेम, सारे तरह का जो भी प्रेम सिखाता है वो केतु ही सिखाता है। और कुत्ते के अंदर भी क्या गुण है, कुत्ता भी पूरी तरह से वफादार होता है, मालिक को सामने देखते ही पूंछ हिलाने लगता है, दूसरे को भले ही काट खाए लेकिन घर के बच्चा उसके ऊपर भी गिर जाए तो काटता नहीं, अचानक अगर काटा गया एक बात अलग है, लेकिन दिल से नहीं काटता है? तो ये अलौकिक प्रेम का प्रतीक है कुत्ता, और इस चीज में तो यहां तक की स्टडियां हुई हैं। अभी मैं कुछ साल पहले अखबार में भी पढ़ रहा था, अमेरिका में भी इस चीज की स्टडी हुई कि लोगों के डिप्रेशन दूर करने के लिए जो लोग अपने आप से बातें करते हैं उनके लिए, जो लोग ये समझते हैं कि उनको कहीं से प्रेम नहीं मिलता, यानी कि जो नेगेटिव सोच के मालिक है, उनके पास जब कुत्ते पलवाए गए तो वो लोग कुछ ही महीनों के अंदर ठीक हो गए। आज मैं दुनिया के अंदर भी देखता हूँ कि कोई अगर रिश्तेदारों से खुश नहीं है तो वो कुत्ता पालता है, तो ये बाकी अच्छा है, बुरा नहीं है,
क्योंकि कुत्ते का प्यार, उसका व्यवहार और प्लस उसके शरीर में से निकलने वाली ऊर्जा, ये हमें बहुत पॉजिटिव करती हैं और हमारी सोच को अच्छा करती हैं। और जब हमारी सोच अच्छी होती है तो हम खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो दुनियादारी के अंदर भी अच्छे अच्छे काम करके अपना नाम भी कमाते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं। तो इसीलिए कुत्ता पालना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों का दिन तो बहुत शुभ है और हर किसी के साथ मधुर संबंध, जोश का बनना, दूसरों की मदद करना और कामकाज के लिए भी उत्तम हालात हैं। परंतु इन सबके बीच में एक एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह का योग भी चल रहा है या राह चलते थोड़े से गाड़ी वगैरह टकराने से किसी के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो ये खराबी का थोड़ा सा समय है, इसको बहुत ध्यान से अगर आप चलते हैं, अगर आप दिन के अंदर ये ठान लेते हैं कि लड़ाई नहीं करनी और सहजता से चलना है, तो दिन आपका हर तरह से उत्तम होने वाला है। सुबह सवेरे अगर हो सके कोई नारियल या बादाम वगैरह जो भी आपके घर पर रखें मंदिर में चढ़ा के तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि वालों के लिए भी आज का पूरा दिन ही बहुत उत्तम है। हर तरह की परीक्षा प्रतियोगिता के लिए, कोई भी कामकाज के लिए, परिवार के सदस्यों से मिलने वाले सुखों के लिए आज हर तरह से दिन उत्तम है और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा, जिससे कि सुखद समाचार प्राप्त होंगे। कोई भी अटके हुए काम निपटाने हो उसके लिए दिन बहुत उत्तम है और आज आप नाम कमाने के लिए भी निकल सकते हैं। यानी कि अगर आपके मन में है कि बहुत अच्छा कार्य कोई करके लोगों के अंदर वाहवाह करवा के आनी है, तो उसके लिए भी हर तरह से उत्तम दिन है। आज के दिन थोड़ा सा गुड़ मंदिर में चढ़ाकर तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि वाले अगर आज अपने बड़े बूढ़ों से कोई सलाह मशवरा करके किसी कार्य के लिए निकलते हैं, तो उसमें हर तरह से सफलता मिलने के योग है और इसके साथ ही कार्यक्षेत्र के अंदर भी हर तरह की सफलता, परिवार से मिलने वाले सुखों की तरफ से हर तरह से अच्छे हालात और इन सब के साथ में शाम तक लाभदायक स्थिति, यानी कि जो भी कार्य करेंगे उसका फल आज आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। तो सुबह सवेरे कन्याओं को कुछ मिठाई दे करके तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, पितृदोष को खत्म करने के लिए कुत्ते से जुड़ा कोई उपाय हो सकता है? पितृदोष की बात करी, केतु का पितृदोष लगता है जब हमारे बुजुर्गों ने या जिनके बुजुर्गों ने सांप मारे हुए होते हैं। पहले खेती करते थे तो आम सांप निकल आते थे, आसपास में जंगल हुआ करते थे तो आम सांप निकल आते थे और खेत के अंदर ही कई बार वो अपनी बिल भी बना लेता था, तब आम सांप निकलते थे। तो डर भी होता था किसी को काट ना ले, तो बुजुर्ग मार दिया करते थे। जिन्होंने बहुत ज़्यादा सांप मारे हैं बेटा, उनको केतु का पितृशाप लगता है। जिन्होंने गुस्सेवश या किसी भी कारण से कुत्तों को मारा है, उनको भी केतु का पितृशाप लगता है। और जिनका सुअरों को मारने का काम धंधा है, उनके तो कन्फर्म पितृदोष लग जाता है केतु का, ठीक है। और ये केतु का पितृदोष इन कारणों से लगता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इंसान अपनी शख्सियत को कभी पूरा नहीं उठा सकता, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ दुनिया के अंदर कहीं ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख होता ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए एक आदमी, वो पिता तो बन गया, उसका बच्चा भी छोटा है, लेकिन इसी बीच में उसके अपने भाइयों से और पिता के साथ नहीं बनी या उनसे अलग होकर के विदेश चला गया, पीछे से भाई जो है वो निकम्मे हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रहे या उसी की जायदाद हड़पने के लिए बैठे हुए हैं, जिसके कारण भाई भाई में तकरार हो गई है, तो ऐसे भाई को सचेत रहने की जरूरत है। कारण ये कि केतु का पितृदोष है, तो कुदरत ने ये सुख खत्म करने शुरू कर दिए। लेकिन अब उसकी आस अपने बेटे पे है जो अभी छोटा है, लेकिन बड़े होते होते तक या तो वो बेटा कहीं दूर जाकर के सेट हो जाएगा तब इसको सुख नहीं, और या वो पास में भी रहा तो अब बड़े होकर के उसके अपने बाप के साथ विचार नहीं मिलेंगे, जिसके कारण पिता और भाइयों के सुखों में ये प्रॉब्लम वाला योग बन ही गया। इसे बोलते केतु का पितृदोष। तो इसका इलाज करना जरूरी जी। है, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने सुना है उनको इलाज भी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए घर का कोई भी बड़ा सदस्य या घर का कोई भी मर्द सदस्य अगर 3 दिन लगातार, साल में 3 दिन
100 कुत्तों को एक ही दिन में खाना खिलाए तो ये पितृदोष टलता है। लेकिन इसको करना कैसे है? आप 110 पैकेट कुत्ते के खाने के बना लीजिए, या तो नॉर्मल दूध ब्रेड वगैरह, अगर वो नहीं तो आजकल डॉग फूड भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह 4 बजे ये 110 पैकेट बना के निकलिए, उस वक्त कुत्ते भूखे होते हैं, आप एक एक करके कुत्तों को ये डालते जाएंगे, 110 कुत्तों को ये खिला देंगे आप, और 6 बजे तक तो घर पे वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा साल में 3 बार करना होता है, 3 दिन लगातार कर दीजिए। ठीक है, ये उपाय अगर आप हर साल करते रहे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर जो भी बच्चे आपके घर में पैदा होंगे उनके यहाँ पितृदोष नहीं होगा, भाई और पुत्र के सुख मिलने लगेंगे। जो भाई या पुत्र कई बार निकम्मे निकल आते हैं उन सब से आपको निजात मिलने लगेगी और आप सुख पाएंगे। बिल्कुल, और एस्ट्रो साइंस देखेंगे तो आप हेल्दी, सुखी और स्वस्थ रहेंगे। चर्चा जारी रखें, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि के लोग आज सुबह सवेरे अपना कामकाज के लिए निकलेंगे, काम बनते हुए नजर आएंगे, हर तरह का अच्छा प्रयास करेंगे, लेकिन कामों की सफलता के लिए आज कमजोर योग है। ठीक है, और किसी न किसी बात को लेकर के दूसरों से मतभेद भी हो सकते हैं, कामकाज में सफलता कमजोर पड़ सकती है, ऐसे में मन में बड़ी विचलन वाला माहौल बन सकता है। तो इसीलिए आज सुबह सवेरे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल ये लेकर मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन वो स्वयं अपने हाथ से लिख सकते हैं। अगर आज आपने किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव रखा, जलन रखी, और किसी के साथ भी आप नकारात्मक सोच के साथ उसके साथ आगे बढ़े तो आपका पूरा दिन खराब होने वाला है। तो ऐसी अवस्था में पूरा दिन दुविधा में रहेगा, मन में विचार चलते रहेंगे जिसका असर स्वास्थ्य पर और स्वभाव पर दोनों ही तरफ आएगा, और ऐसे में परिवार के अंदर भी कुछ ना कुछ अनबन वाले हालात बन सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आज आपने पॉजिटिव सोच के साथ में दिन शुरू किया और किसी से जेलस नहीं करी, किसी से कंपटीशन करने की नहीं सोची, तो आपका दिन हर तरह से उत्तम जाएगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे जो खुशहाली प्रदान करेंगे। तो इस बुराई को भगाने के लिए सुबह सवेरे थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के दान दे के तब दिन की शुरुआत करें। धनुराशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। आज कार्य में जो सफलता मिलनी चाहिए उसके लिए कमजोर योग है, किसी न किसी मित्र जानकार के साथ मन मुटाव हो सकते हैं, तनाव की स्थिति बन सकती है, गुस्से की प्रवृत्ति बन सकती है, और ऐसे में जिनके साथ मिलके काम करना है तो बेटा उनके लिए भी हालात बड़े क्रिटिकल से बन जाएंगे, क्योंकि आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन वहाँ हालात को पॉजिटिव नहीं रहने देगा। तो इसीलिए मन पे काबू रखें अपने, और इसके साथ ही थोड़ी सी खोए की मिठाई ये अगर आज आप बच्चों को बांट के फिर दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन। गुरुदेव, कुत्ता तो पाल लिया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बाहर कहीं गए हैं तो चलते चलते कुत्ता काट जाता है, खड़े खड़े कुत्ता काट देता है, तो ये शुभ फल या अशुभ फल, किस अनहोनी का संकेत है? हमारे यहाँ लेसन है, लॉ है, मल्टीपल ग्रह का टकराव आपस में होना, कहते उसके अंदर केतु ही मारा जाता है, जितना केतु मारा जाता है ग्रहों के आपस में टकराने से उतना और कोई ग्रह नहीं मारा जाता। तो अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के 5 ग्रह भी आपस में टकराने पर कुत्ते को यानी कि केतु को ही मार रहे हैं तो केतु के दिए हुए दुख मिलते हैं जीवन में। अब केतु के दिए हुए दुख कौन से है वो बताता हूँ आपको। गुप्तांग का खराब हो जाना, आदमी हो औरत हो, कमर पांव के अंदर दर्द होना, हिप रिप्लेसमेंट होना, चनका गिर जाना, बैकबोन के अंदर L1 L2 इनके अंदर दिखते आना, ठीक है, ये सब केतु की कुर्बानी है, यानी कि टकराते कोई दूसरे ग्रह हैं और बेचारा मारा केतु जाता है। तो इसीलिए आप देखिए कि दुनिया के अंदर अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा तकलीफ और बीमारी क्या है, वो है गुप्तांग से संबंधित तकलीफें, और दूसरा है कमर पांव और बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर तकलीफें आना, ये सबसे ज़्यादा है।
समझेंगे ना, क्योंकि मल्टीपल ग्रह इसके ऊपर असर डालते हैं। तो ये वाला हिस्सा, और ऐसे ही जैसे ही कभी किसी को कुत्ते ने काटा, कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया है, या जानबूझ के मार दिया, या बहुत सारे कुत्ते मिलकर के, कई बार आज पिछले अखबारों में भी आया कि किसी के घर के बच्चे को ही मार डाला, ये सब केतु की खराबी के कारण होता है, समझे। जबकि कुत्ते की मैंने इतनी तारीफें करी हैं, लेकिन ये कुत्ते का बुरा रूप ही है। कई लोग घर पे कुत्ता लाते हैं, वो लाने के बाद कुत्ता ही पागल हो जाता है, ये इसका मतलब उनका केतु बहुत 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 खराब है। इसीलिए हमारे घर पे मिलकर सदियों से एक असूल बनाया गया कि घर की या तो जो पहली रोटी बनेगी वो आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौए को डाली जाए। नहीं तो ये भी अगर मान लो भूल जाते हैं तो बाकी का परिवार ख्याल रखता है कि खाने से पहले 3 ग्रास वो निकालते हैं, एक गाय का, एक कुत्ते का, एक कौए का। जो लोग भी ये कार्य करते हैं उनको कुत्ता कभी नहीं काटता, और जो लोग भी ये कार्य करते हैं बेटा उनको कमर पांव के दर्द और औलाद की तरफ से तकलीफें नहीं सताती। इसीलिए ये जो संस्कार सदियों पुराना हमारा चला आ रहा है, अगर आप लोग भी अपने घर में आज अपना लेंगे तो आप इन बड़े बड़े दुखों से बचे रहेंगे और आपको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। और एस्ट्रो साइंस देखेंगे तो सुखी और समृद्ध रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज स्वयं या घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के खराब होने के योग हैं, और आपका मन, जैसे एक तन का आलस होता है, लेकिन आपका मन आज आलस में होने के कारण बुद्धि पूरी तरह से साथ नहीं देगी। जैसे बुद्धि कह रही हो कि आज तू रेस्ट कर ले, आज पूरा साथ नहीं देंगे, इस तरह के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं, और जिसके कारण जबरदस्ती काम करने के चक्कर में सामने वालों के साथ कोई ना कोई मतभेद, वाद विवाद ये बन सकता है। तो अगर काम करने का मन नहीं कर रहा तो बेशक आज के दिन आप बहुत ही कम काम करें, वो आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन संभावना बिगड़ने दें, जिससे मिले हंस के मिले, पॉजिटिव शब्द बोलते हुए मिले तो वो उत्तम रहेगा। तो आज मंदिर के अंदर थोड़े सा चावल, चीनी ये मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि वालों के लिए आज दोहरा दिन है। एक तरफ माता या माता तुल्य किसी भी स्त्री के स्वास्थ्य के खराब होने की हालात बने हुए हैं, उसके लिए चिंता बनी हुई है, अपने भी पेट में छोटी छोटी समस्याएं बनी हुई हैं, एक ये हिस्सा है। और दूसरे हिस्से में आपके कार्यों के अंदर आप अपनी योग्यता बुद्धिमता को साबित करते हुए कामयाबी प्राप्त करेंगे, ये दोनों ही चीज़ें आज आपके साथ हैं। इसलिए सुबह के वक्त में थोड़ी सी सौंफ लेकर के मंदिर में अर्पित करके परमात्मा से कामयाबी का आशीर्वाद लेकर के तब निकलें। और हाँ, आज के दिन सौंफ सुबह के वक्त में खाना आपके लिए अति उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा अटपटा है। किसी भी तरह के प्रयास में फिर गुस्सा चढ़ेगा, कोई काम करने लगे फिर गुस्सा चढ़ेगा, और बड़ा चिड़चिड़ापन सा जो कामकाज के अंदर परेशानियों के हालात पैदा करता रहे और सामने वाले अच्छे ना लगे, तो इस तरह के हालात को ऊपर आपने काबू रखना है। सुबह सवेरे थोड़ा एक जल का लोटा भरकर अपने परमात्मा के सामने रखकर प्रणाम करके शुद्ध सोच के साथ दिन की शुरुआत करें, तब दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, कभी ऐसे होता है कि गलती से अनजाने में कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया हमारे से, तो क्या करना चाहिए, कोई खास उपाय? कुत्ते का गाड़ी के नीचे आकर के मरना ये आम होता भी रहता है, लेकिन अपने पास से हुआ हो तो इसका दोष भी लगता है, समझे। लेकिन एक होता है जानबूझ के करना, उसका मैंने पितृदोष का उपाय बताया, वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप जानबूझ के नहीं करते, अचानक हो जाता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये भूल के अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा भी शामिल होता है, तो आपका उस वक्त में एक शुद्ध भाव का बने रहना ही आपका उपाय है कि आपने मन से बुरा नहीं चाहा लेकिन वो अचानक हो गया। और ऐसे में अपने अंदर की उस फीलिंग को निकालने के लिए और वो जो आप समझते हैं कि आपसे गलती हो गई है उससे पार पाने के लिए आपको करना क्या चाहिए, आप 8 काले सफ़ेद या मल्टी कलर कंबल लीजिए,
महंगे नहीं सस्ते वाले ले लीजिए, और महंगे अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। 8 कंबल लेकर के आप वो 8 दिन लगातार एक एक कंबल किसी गरीब को दान में दे दीजिए, और कुछ केले आप गरीबों के अंदर वो बांटे, महीने की महीने बांटते, थोड़ी देर तक वो बांटते। ये दो उपाय ही इस बुरे दोष का निवारण यह संभव कर देता है, आपके केतु को पॉजिटिव करता है और हर तरह से उत्तम हालात तब पैदा करता है। गुरुदेव, मेरा एक सवाल है, कुत्तों जैसे अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं, तो सबके लिए एक ही जैसे कुत्ते पालना, जैसे कोई शौक से कोई काला कुत्ता पालना पसंद करता है, किसी को गोल्डन कुत्ता पसंद है, तो ये इसका भी कुछ इफेक्ट होता है? बेटा ज़्यादातर तो अगर हम केतु का रंग देखें तो वो तो है काला सफ़ेद जी, ठीक है। तो ऐसे में काला सफ़ेद कुत्ता ज़्यादा अच्छी ऊँचाइयाँ प्रदान करने वाला होता है, अगर केतु पॉजिटिव हो घर में, और बिल्कुल अपने ब्रांड नेम को ऊपर लेके जाना हो, काम धंधे को ऊपर लेके जाना हो, अपनी सोच को ऊपर लेके जाना हो, तो काला सफ़ेद दो विपरीत सोच अपने अंदर डेवलप करने का गुण लाना हो तो काला सफ़ेद कुत्ता पालना चाहिए, ठीक है। जो लोग पूरे डिप्लोमेटिक एक जगह फोकस होकर के कार्य जो करते हैं, और सिर्फ डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने एक ही फील्ड को बढ़ाना हुआ होता है, उनके लिए काला कुत्ता पालना सर्वोत्तम होता है। और जो लोग तरह तरह की हर प्रक्रिया को करते हुए बिजनेस को जो बढ़ाते हैं, समझ गए, और बिजनेस अभी शुरू किया है और आगे चल के उनको और बहुत बड़ा करना है, ऐसे लोग ब्राउन गोल्डन कलर के कुत्ते पाले तो उनके लिए ज़्यादा उत्तम, ठीक है। क्योंकि मैं योग समझाने बैठूंगा तो किसी को नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने सिचुएशन समझा दी। तो ऐसी अवस्था में इस तरह से कुत्ता पालना अति उत्तम। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।